एक बार इस रेमेडी को बना तो लीजिए। ये इतना ज़्यादा असरदार है कि आपके अनचाहे बालों को एकदम फटाफट से रिमूव कर देगा। फ्रेंड, बहुत सारी लेडीज़ परेशान रहती हैं अपने फेसियल हेयर से, यानी उनके फेस के पर, कान के साइड में, अपर लिप्स पर बहुत ज़्यादा हेयर रहता है, जिसे रिमूव करने के लिए वो बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करती हैं, फिर भी वो नहीं जाता है। या फिर आपके स्किन पर अगर पिंपल्स के दाग हैं या आपके फेस पर टैनिंग वगैरह है, तो वो भी इससे रिमूव हो जाएगा। कैसे होगा और किस तरीके से इसे इस्तेमाल करेंगे जिससे इसका डबल फ़ायदा मिले, और इसे कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है, और ख़ास बात एक और है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम एक क्लीन बाउल लेंगे। अब यहाँ पर आप स्टील का, कांच का कोई भी बाउल ले सकती हैं। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच चावल का आटा। चावल के आटे में विटामिन सी होता है, और चावल का आटा हमारे स्किन को बहुत ही बढ़िया से क्लीन करता है, फेयर करता है, और स्किन को टाइट भी रखता है, जल्दी झुर्रियाँ नहीं होती है स्किन के ऊपर। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच चीनी यानी शक्कर। फ्रेंड, जो चीनी रहता है ना, ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है, मगर स्किन के लिए ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो यहाँ पर हम 1/2 छोटा चम्मच चीनी और चावल के आटे को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद इसमें आपको डाल देना है कच्चा दूध। दूध को हल्का सा गुनगुना गर्म कर लेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो हमने दानेदार चीनी डाला है ना, वो जल्दी से ऐसे मेल्ट हो जाएगा। या फिर आप अगर नॉर्मल दूध ले रही हैं, दूध को गर्म नहीं कर रही हैं, तो आप यहाँ पर चीनी का पाउडर ले लीजिएगा 1/2 छोटा चम्मच। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको ना इस तरीके से पेस्ट बनाएंगे। एक साथ पूरा दूध मत डालिएगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा पतला पेस्ट बन जाएगा। हमें इसे थोड़ा सा ठीक रखना है। फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे खुशी होगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है, और ये इतना बढ़िया सा पेस्ट बनता है ना कि क्या ही बताऊँ। और ये बहुत ही बढ़िया काम करता है फ्रेंड। इसे इस्तेमाल करके देखिएगा, अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा पुरानी झाइयाँ हैं ना, वो भी रिमूव हो जाएंगी। अगर पिंपल्स के दाग है, वो भी निकल जाते हैं, और हेयर को तो ये बहुत ही आसानी से रिमूव कर देगा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नारियल का तेल डाला है, और साथ में 4 से 5 बूंद नींबू का रस। अब दोनों चीज़ों को डालकर अच्छे से फिर से हम इसे मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको मिला लिया है, और ये जो पेस्ट है ना, इसे थोड़ा सा आपको ठीक रखना है, बहुत ज़्यादा पतला मत करिएगा। बहुत सारी लेडीज होती हैं जो अपने अनचाहे बालों से परेशान रहती हैं, उन्हें पार्लर जाने की मतलब टाइम ही नहीं मिलता है, या फिर बार बार पैसे खर्च करना भी मुश्किल लगता है। तो आप इस तरीके से करेंगी तो आपके जो अनवांटेड हेयर है, वो बहुत ही आसानी से और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो अब इसे फेस पर लगाने के लिए पहले फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, मतलब फेस पर से मेकअप वगैरह निकाल दीजिएगा, क्रीम वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। उसके बाद ना, आप कच्चा दूध को कॉटन में लगाकर इस तरीके से अपने फेस को क्लीन कर लीजिएगा कच्चा दूध से। पहले आपको फेस वॉश से साफ़ करना है, उसके बाद सुखा लेना है, फिर कच्चा दूध से इस तरीके से कॉटन से क्लीन कर लेना है। अगर आप रेगुलर सुबह में कच्चा दूध लगाती हैं ना, उससे भी आप देखेंगे कि आपका जो फेस है ना, वो निखरने लगेगा। अगर आपकी बेटी है और बहुत ज़्यादा उसका कलर डार्क है, छोटी है, तो भी आप उसको कच्चा दूध लगा सकती हैं सुबह में। नहाने से पहले उसके फेस पर हाथ में लगा दीजिए, और उसके 1 घंटे बाद उसे नहला दीजिए। बहुत ही बढ़िया काम करता है फ्रेंड, मगर आपको इसे लंबे टाइम तक करना पड़ेगा, मतलब 1-2 महीने तक, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। आप ट्राई करके देखिएगा, आपको पसंद आएगा। अब क्लीन करने के बाद ना, जब दूध सूख जाएगा, उसके बाद आप अपने फेस पर इस रेमेडी को लगा लीजिएगा। तो आपको ना बाल के साइड में इसे लगाना है इस तरीके से। मैं यहाँ पर हाथ से लगा रही हूँ, आप ना अगर मेकअप ब्रश है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। गर्दन वगैरह पर भी लगा लीजिएगा। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके प्रीति रसोई से जुड़ जाइएगा अगला वीडियो देखने के लिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो लगाने के बाद इसे हमें छोड़ देना है 1/2 घंटे के लिए। उसके बाद ना, मैं क्या करती हूँ कि जो बचा हुआ रेमेडी है, उसे हाथ में लगा लेती हूँ। तो हाथ में भी आपको दूध लगा लेना है, उसके बाद इस तरीके से इसे लगा कर हल्के हाथ से मसाज कर लेना है। मसाज करने से ये होगा कि जो
स्किन के नीचे ब्लड है ना, वो ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से होने लगता है, जिससे अंदरूनी निखार भी आता है और साथ ही साथ अगर डेड स्किन है तो वो भी रिमूव हो जाएगा, अगर स्किन पर गंदगी है तो वो भी रिमूव हो जाएगा। दूध ना गंदगी को बहुत ही आसानी से रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर मसाज मैंने 5 से 7 मिनट तक कर लिया है, उसके बाद ना इसे 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि सूख जाए। जब ये सूख जाएगा ना तो उसके बाद इस तरीके से मसाज करके इसे निकाल दूँगी। आप अगर मसाज नहीं करना चाहती हैं तो गुलाब जल या कच्चा दूध लेकर इस तरीके से लगाकर इसको मसाज कर लीजिएगा, उसके बाद प्लेन पानी से धो लीजिएगा। आपको फेस पैक को निकालने के बाद ना फेस वॉश या साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, आप प्लेन पानी का ही इस्तेमाल करिएगा, धो लीजिएगा। तो देखिए ये आसानी से निकल गया है। अब मैं आपको धोकर दिखाती हूँ, उसके बाद आप देखिएगा हाथ पहले से क्लीन हो गया रहेगा। इसे आप रेगुलर कर सकती हैं या फिर कम से कम ना आप इसे हफ्ते में 4 बार ज़रूर से करिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो रेगुलर कर सकती हैं, और आप इसे ना लगाने के लिए ना रात को लगाइए, मतलब सोने से पहले करके सोइए। सुबह आप देखेंगे आपका जो फेस है ना वो दिन प्रतिदिन ऐसा निखरेगा ना कि आपको लगेगा कि आपने महंगा वाला फेसियल कराया है। तो यहाँ पर मैंने देखिए फेस जो पर जो लगाया था ना वो अच्छे से सूख गया है, तो उसे रिमूव करने के लिए आपको इस तरीके से देखिए मसाज करना है हल्के हाथ से। बस दोनों उंगली से इस तरीके से मसाज करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये भी निकल जाएगा, और इसके साथ में जो छोटे छोटे बाल रहते हैं ना फेस के ऊपर वो भी आसानी से रिमूव हो जाएगा। आप इसे अपने गर्दन पर हाथ में भी लगा सकती हैं। इसमें हमने दूध का इस्तेमाल किया है तो पैर में कोई नहीं लगाएगा, तो मैं वो नहीं बोलूँगी कि आप पैर में भी लगाओ, मगर हाथ में फेस पर लगा सकती हैं। इसे मेल और फीमेल दोनों लगा सकते हैं, और 18 साल के ऊपर के लोग लगाएं, छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और इससे ना आपके जो चेहरे पर दाग धब्बे हैं वो भी रिमूव हो जाता है, अगर झाइयाँ हैं वो भी रिमूव हो जाएगा। अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ढीला पड़ रहा है तो आप इसे लगाइए, उससे टाइट भी हो जाएगा। घरेलू रेमेडी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंड, हो सकता है 2 हफ्ते 4 हफ्ते लगे, मगर आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका कलर बहुत ज़्यादा डार्क है तो वो भी लाइट हो जाता है, अगर आपका रूखा सूखा स्किन है तो उसमें भी जान आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इसको निकाल दिया है, और आप देख सकती हैं थोड़ा भी आप यहाँ पर रेमेडी नहीं लगा है। तो आप चाहे तो ऐसे भी सो सकती हैं, या फिर आप ना प्लेन पानी से फेस को धो लीजिएगा, उसके बाद कपड़े से पोंछकर एलोवेरा जेल या फिर कोई मॉइस्चराइजर क्रीम लगाकर सो जाइए। सुबह में उठेंगे आपका चेहरा एकदम अलग ही चमक देगा, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आपने इस रेमेडी को लगाया और इतना अच्छा हमको रिजल्ट मिल गया। और बाल तो धीरे धीरे ख़त्म होगा, एक बार में शायद नहीं होगा, आप जब 3-4 हफ्ते तक इसका इस्तेमाल कर लेंगी ना उसके बाद आप देखेंगे आपके फेस पर से बाल भी धीरे धीरे से गायब हो जाएंगे। और इसको लगाने से ये है कि वापस से बाल नहीं आते हैं, या आएंगे तो बाल का ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाएगा और लास्ट में एकदम से ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, खास बात ये है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।